वेरी गुड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली एंड स्ट्रॉन्ग सोल। सुबह सुबह मुझे काम में लगना पड़ रहा है। मेरी कुकिंग वाली मेड नहीं आ रही है, वो बहुत बीमार है, सो इसलिए मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी पड़ रही है। सो अभी मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मैं कोल्सलो सैंडविच बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। सो कोल्सलो सैंडविच बनाने के लिए मैंने बंधा गोभी काटी है, इसको मैं ग्रेट करूंगी ग्रेटर में, और यहाँ पे मैं उसका स्प्रेड बनाने के लिए मेयोनीज थोड़ा सा लिया है, और भी बहुत सारी सामग्री मैं इसमें दूंगी, और मैं इसका सॉस बनाऊंगी और फिर इसका स्प्रेड बना के सैंडविच बनेगा। इसका रेसिपी और बनाने का तरीका सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी बंधा गोभी ग्रेट हो चुकी है और अभी मेरी मेयो स्प्रेड रेडी हो रही है। इसमें मैंने मेयोनीज है, ये इसमें मैंने चीनी डाली है, थोड़ी सी नमक डाली है, थोड़ा सा टोमेटो सॉस दिया है और थोड़ा सा ओरिगैनो भी दिया है टेस्ट के लिए। जस्ट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो ओरिगैनो, आप चाहो तो इसमें पास्ता सीजनिंग भी ऐड कर सकते हो, कोई ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा मिल्क डाल दूंगी इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये स्प्रेड का कंसिस्टेंसी ले। सो यहाँ पे मेरी ब्रेड कुमारी खड़ी है, रेडी है, बहुत सुंदर लग रही है, और ये कोल्सलो स्प्रेड पूरी तरह से रेडी है विद द ग्रेटेड कैबेज, इट्स कम्प्लीटली रेडी। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट द स्प्रेड ओवर द ब्रेड एंड माय सैंडविचेस विल बी रेडी। कॉफी है प्रियंका मैडम के साथ, आज की फर्स्ट कॉफी, चीयर्स। इसके बाद वर्कआउट पार्टी। जिम से आने के बाद ये लंच लिया, थोड़ी सी राइस जो स्टार्च के साथ कुक हुई है, जिसको हम लोग बंगाली में फैना भात बोलते हैं, वेरी हाई इन कार्ब्स एंड एनर्जी। ऑमलेट जो कि 3 अंडे की है, और यहाँ पे बहुत सारा सैलड, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैश पोटैटो भी दिया है जो कि धनिया पत्ती और थोड़ा सा प्याज के साथ मैंने मैश करके इसको मिक्स किया। ये है मेरी लंच। वेरी गुड।
सो फ्रेंड्स अभी आनू जाएगी ट्यूशन, मुझे उसको छोड़ने जाना है। तो वहां से मैं आज फिर से मार्केट जाऊंगी क्योंकि कैंडल बनाने का कुछ कुछ सामान, बहुत ही छोटा मोटा सामान रह गया है, वो मुझे लाना पड़ेगा। और कलर्स ये दोनों और लाइट्स। पॉट दिया का आइडिया हम लोगों ने कल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज एक बार फिर जाके चेक करूँ कि कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं। अगर मिलता है तो डेफिनेटली लाऊंगी पॉट दिया, और फिर पॉट दिया को हम लोग वैक्स दिया बनाएंगे जो कि 7 से 8 घंटा जलेगा। सो परफेक्ट फॉर लाइटिंग इट अप व्हाइल योर बर्निंग योर क्रैकर्स, क्योंकि उस टाइम में कैंडल्स जब बंद हो जाते हैं तो फिर से जलाना छत पे बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो ये मेरी खुल्लड़ वाली दिया जिसको कहते हैं, उसका रॉ मटेरियल मैंने जुगाड़ किया। मुझे और थोड़ा वैक्स खरीदना पड़ेगा। दिवाली के लिए हम लोग का घर भी रेडी हो गया। Isn't it looking so pretty? अनु मैडम ट्यूशन से वापस आ गई है। तो बाहर से आने के बाद अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग मेड बहुत बीमार है, वो नहीं आ रही है। और जैसे ही मैं कुकिंग कर रही हूँ सुन के सबका डिमांड है ना थोड़ा और बढ़ गया है। तो मैं अभी नूडल्स बना रही हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी वेज नूडल्स बनाया था जो कि स्ट्रीट स्टाइल था, उसका लिंक आपको ऊपर में मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ एग नूडल्स, मैं आपको दिखाऊंगी रेसिपी, आपको उस व्लॉग में मिल जाएगा। तो ये बन गई है नूडल्स, और इस पे मैं थोड़ा सा एग्स स्प्रेड कर रही हूँ, एग्स भुर्जी यानी कि अंडे की भुर्जी, और इस पे थोड़ा सा सॉस दे देंगे एंड एग चाउ रेडी। और मैं अभी सोने जा रही हूँ, ये मेरे कमरे में कितना सुंदर लाइट आ रहा है, मस्त लग रहा है।